तो देखिए आज मैं रेसिपी में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन एग रोल। हाँ, अब इसमें ये जो चिकन हमने रखे धो के ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है ना, माशाल्लाह, और एकदम क्रिस्पी भी बने। तो अभी गाड़ी पार्किंग कर दी है, हम लोग चलते हैं बीच के ऊपर, बीच पे जाके एंजॉय करते हैं। चलो समंदर के किनारे मजा आया। इधर बनाएंगे, बना रहे हैं। हाट बना रहे हैं बाबा, क्या हाट, मस्त हाट बना यार। अरे वाह, ये लो अफीम भी बना रही है, ये देखो सैफन भी एक नंबर बनाया। ओ क्या बात है, एक नंबर बना माशाल्लाह। अरे सैफन का ही बन गया, पूरा भीग गया वो, पूरे कपड़े भिगा लिए, अभी कैसे घर पे जाएगा। अभी ऐसे जाएंगे गीला गीला, देखो मजबूत भीग गया, पूरा सो रहा है पानी के अंदर। ये देखो, अरे बाप रे बाप, आ गया काला खट्टा। जूस ओपन ही आया, काला खट्टा नहीं खाया तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ऑल टाइम फेवरेट, हाँ बहुत मजा आता है यहाँ पे ये खाए, कोला खाने के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग भी हो गई, नाश्ता भी हो गया और हमारा खाना भी हो गया। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रही हूँ अपने रेसिपी से। तो आज मैं डायरेक्ट रेसिपी से ही शुरू कर रही हूँ। तो देखिए आज मैं रेसिपी में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन एग रोल। हाँ, जिस तरह से हम स्ट्रीट पे खाते हैं ना, उसी तरह से सेम बनते हैं, तो वो मैं आज बनाने जा रही हूँ हमारे नाश्ते के लिए। तो वही आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। आइए देखिए इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन एग रोल बनाने के लिए 500 ग्राम चिकन ली हूँ बोनलेस, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर ली हूँ। इसको रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ देखो 500 ग्राम मैदे का आटा। हाँ, मैदे के आटे से ही हम रोल बनाएंगे। फिर चलिए पहला आटा गूंदने की तैयारी करते। सबसे पहले हम आटे में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, उसमें जाएगा 1/2 टीस्पून तेल। नमक और तेल को पहले आटे में हम मिक्स कर लेंगे। अगर तेल को मैंने आटे में मिक्स कर ली हूँ अच्छे से, अब इसमें और कुछ नहीं डालेंगे हम। इसे हम पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो बना लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल आटे का बनाते हैं रोटी का, उसी तरह से डो बना लेंगे। मैं डो बना के बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से डो गूंद ली हूँ। अब इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे थोड़ा सा। देखिए डो हमारा अच्छी तरह से हो गया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तेल लगा के रखेंगे तो ऊपर से जो है पपड़ी नहीं जमती है। इसको ढक के हम रख देंगे साइड में। एक आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए, जब तक हम चिकन बनाने की तैयारी करते। तो यह गैस पे मैंने रख दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम 1.5 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच और ये 1/2 चम्मच। तेल गरम होने देंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम हो चुका है। तेल में हम डालेंगे 2 बड़ी प्याज, इस तरह से बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी हो जाए वहाँ तक फ्राई कर लेंगे। और ये चिकन एग रोल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब हम स्ट्रीट पे खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है बनाना, नहीं बहुत ही इजी है। बहुत इजी वे में बनाना बताऊँगी आप लोगों को, आप लोग घर में भी बना के खा सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी रहता है, बाहर से ज़्यादा अच्छा घर में बनता है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करना ज़रूर। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं किस तरह से बनाती हूँ। प्याज हमारी हल्की गुलाबी कलर की हो चुकी है, बस इतना ही करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेस्ट डालकर भी हम 1 मिनट भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक।
एक मिनट भुनेंगे इसको। अब इसमें ये जो चिकन हमने रखे धो के ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और चिकन को अच्छी तरह से प्याज अदरक लहसुन में भून लेंगे इसका चिकन का कलर चेंज होने तक। चिकन की जो कच्ची स्मेल वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाएगी इस तरह से भूनने से। तो ये देखिए एक मिनट तक मैंने अच्छी तरह से चिकन को भी भून ली हूँ, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ली हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक। सारे सूखे मसाले भी हम चिकन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अरे मसालों को भी भून लेंगे चिकन के साथ। तो चिकन को मैंने दो मिनट तक अच्छी तरह से भून ली हूँ। अब क्या करेंगे इसमें दो टेबल स्पून पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस चिकन थोड़ा पकने के लिए पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने दो चम्मच पानी का इस्तेमाल करी हूँ चिकन पकने के लिए। अब इसको फ्लेम को कर देंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट में हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए, चलिए देखते हैं। पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है। अभी फ्लेम को हम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर इसका पूरा पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे, उसमें पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए मॉइस्चर। और अभी ये जो कोथमीर काट के रखे वो डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी बन जाता है ना, टाइम भी नहीं लगता है, चिकन तो जल्दी से बन जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे कोथमीर डाल के। तो चिकन का पानी पूरा ड्राई हो चुका है, चलिए अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होता है इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चिकन एग रोल बनाने के लिए अभी हम अंडे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 6 अंडे ले ली हूँ। अभी एक बाउल लेके ये अंडे इसमें फोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अंडे तो मैंने सारे इसमें फोड़ के डाल दी हूँ। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक। इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डाल के फेंट लेंगे। तभी अंडों को मैंने फेंट ली हूँ। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे रखेंगे एक पैन और हम इस अंडे के छोटे छोटे ऑमलेट बना लेंगे। डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेल। फिर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, चलिए एक एक चम्मच डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको फैला देंगे इस तरह और छोटे छोटे ऑमलेट बना के रेडी कर लेंगे। तो एक साइड से हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है, पलट के दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑमलेट रेडी। इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए इसी तरह से हम सारे ऑमलेट बना के रेडी कर लेंगे। फिर से मैं डाल दूंगी थोड़ा तेल। फिर हम डाल देंगे एक चम्मच ऑमलेट और इस तरह से फैला देंगे। एक मिनट भी नहीं लगता ऑमलेट बनाने के लिए। देखिए इस तरह से ऑमलेट बना के रेडी हो जाते। तो मैं सारे अंडे के ऑमलेट इसी तरह से बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे देखिए 6 अंडों से 12 ऑमलेट बन के रेडी हो चुके ये साइज़ के। फिर चलिए अभी रोल बनाना स्टार्ट करते। देखिए हमारे आटे को भी गूंद के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अच्छी तरह से हमारा आटा जो सॉफ्ट हो गया। अब क्या करेंगे इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे, जो साइज़ के हमको चाहिए वो साइज़ के। ये देखिए इस तरह से पेड़े बना लेंगे। तो सारे पेड़े बना के मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर ली हूँ। चलिए अब क्या करेंगे एक पेड़ा लेंगे और इसको आटे में डस्ट करेंगे। जो बाकी के पेड़े हैं वो हम ढक के रखेंगे ताकि ऊपर से पपड़ी ना जमे। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड
देंगे। अब इसको हम बेल लेते, बिस्मिल्लाह। पतली पतली रोटियां बेलना है हमें। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने इस तरह से पतली रोटी बेल ली हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो अंडा जो तल के रखे ना, ये इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अरे हमारा जो चिकन का मसाला है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये साइड पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएंगे। तो ये साइड के जो कॉर्नर्स है ना, इसको इस तरह से दबा देंगे और इसको मोड़ लेंगे। तो माशाल्लाह ये हमारे चिकन रोल बनके रेडी हो गए। देख सकते हैं आप, ये हमारे चिकन एग रोल किस तरह से बनके रेडी हो गए। इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए एक और एक मैं आप लोगों को बेल के बता देती हूँ। ये भी रोटी मैंने बेल ली हूँ। फिर इसी तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे ऑमलेट, फिर भर देंगे इसमें चिकन की फिलिंग। देखिए आप ध्यान से देखना मैं किस तरह से रख रही हूँ और किस तरह से मैं फोल्ड करती हूँ। ये मैंने रख दी हूँ अच्छी तरह से। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये कॉर्नर जो है वो इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले तलने के टाइम। ये देखते हैं इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा दूसरा रोल भी बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे रोल बना के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे चिकन एग रोल बन के रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, अब इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। चलो तो फिर अभी फ्राई कर लेते हैं हमारे चिकन एग रोल को। गैस पर रख देंगे एक पैन, पैन में डालेंगे हम ऑयल, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम हो चुका है। चलिए अभी एक एक करके हम ये रोल डालेंगे, बिस्मिल्लाह। एक टाइम में जितने आते हैं उतने डाल के हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि हमारा जो चिकन है और एग ये सब पका हुआ है ना, फिर ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई होने की बाकी है। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। रोल हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, चलिए अब इसको पलट के दूसरे साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है ना माशाल्लाह, और एकदम क्रिस्पी भी बने। तो मैं दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी रोल हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हमारे चिकन एग रोल बन के रेडी हो गए। तो ये देखिए हमारे चिकन एग रोल बन के रेडी हो चुके, देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी इसको मैं आप लोगों को काट के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को इसको एक काट के भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमारे रोल बने हैं, बिस्मिल्लाह। तो देख सकते हैं कितने क्रिस्पी है, खाने में भी उतने ही ज़बरदस्त है। ये देखिए अंदर की फीलिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल चिकन एग रोल बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसे हम खाएंगे कोथमीर पुदीने दही की हरी चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। बिल्कुल हम जहाँ बाहर स्ट्रीट पे खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बन के तैयार होते हैं।
तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर चलो खाते हैं, खा के फिर मिलते हैं। तो सैफान भी आ गया स्कूल जाके, अस्सलाम वालेकुम, और मेरा बेटा और मैं, हम दोनों मिलके खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सैफान लो, खा के दिखाओ। सैफान खाएगा केचप के साथ और मैं खाऊंगी हमारी कोथमीर पुदीने की हरी चटनी के साथ। ये देखिए, और साथ में ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल स्ट्रीट पे मिलता है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा। साथ में प्याज बहुत ही बेहतरीन बना है। आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, फिर चलो, मेरा अभी नमाज का टाइम हो रहा है, खा के नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मेरा काम वगैरह सब हो गया, खाना भी बन गया, उसके बाद मेरे सैफान को और मुझे जाना था कहीं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत बोर हो रहा था। तो ये मेरे शौहर को मैंने आज जल्दी बुला ली, फोन करके जल्दी बुलाया, जल्दी आओ, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? बोले घूमने जाने का, तो चलो घूम के आते फिर। तो हम लोग को बोर हो रहा था, तो बोले चलो थोड़ा पानी पूरी खा के आ जाते घूम फिर कर, है ना। चलो। तो फिर मेरे शौहर आ गए जल्दी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं जू चौपाटी। जू चौपाटी जा रहे पानी पूरी खाने के लिए, मजा आने वाला है। चलो। हाँ, तो सोचिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, जा रहे तो आप लोगों को भी बताती हूँ। चलो फिर सैफान, चलो सैफान भी देखो। चल सैफान, सैफान भी रेडी हो गया। अरे वाह, हाँ हाँ, चल 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 जूता पहन पड़ोगा, चल। लाइटिंग वगैरह लगा दिए ना, और अच्छा लग रहा है। पिछली बार आए थे तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था। अभी जाते हैं कुछ। हाँ, इस बार अच्छा लग रहा है। पहुँच गया माशाल्लाह जू चौपाटी। बाइक पार्किंग करने की तैयारी। जू चौपाटी आओ तो पार्किंग यहाँ से करो, यहाँ पे बाइक पार्किंग का तो टेंशन नहीं, ट्यूशन का ट्यूशन का टेंशन खत्म हो गया। सेवन पहुँच गए ना, सैफान खूब इंजॉय करेगा। तो अभी गाड़ी पार्किंग कर दी हम लोग, चलते बीच के ऊपर, बीच पे जाके इंजॉय करते। चलो समंदर के किनारे। ओह क्या बात, एक नंबर सीन है भाई। क्राउड बहुत है। अभी उजाला अच्छा है, आज पब्लिक ज्यादा है, आज पब्लिक भी ज्यादा है और उजाला भी है। नेक्स्ट टाइम आए थे ना हम लोग, पिछली बार तो उजाला ही नहीं था, पूरा अंधेरा। आज पब्लिक अच्छा अच्छा ग्राउंड है। पानी भी ऊपर तक आया, अभी पानी बहुत ऊपर तक आया, पानी ऊपर तक। चलो चलो पानी तक चल दो, चलो चलो पानी पर चल। आज भरती पानी ऊपर तक काफी वो ऐसा उड़ेगा, ऐसा उड़ते नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा। ठीक है ठीक है, मैं उड़ा के देखती हूँ। हाँ उड़ा उड़ा उड़ा, कैसे उड़ाते भाई, कैसे उड़ाते, कैसे उड़े बता भाई। हाँ ऐसा उड़ाने का उसको ऐसा। हाँ गुले चला बचपन में, खींचो जोर से। हाँ शबा, अरे बहुत सोने से मार लिया, ज्यादा खींचे तो ऊपर जाएगा ऐसा, ज्यादा खींचो जोर से, ये देखो। हाँ खींचो जोर से एकदम। हाँ अब मारो ऊपर। जाओ जाओ आगे बिंदास।
मैं भी जा रही हूँ। हाँ जाओ, ज्यादा जाओ। अरे सरफान को देखो, आज पानी मस्त है माशाल्लाह। चप्पल निकाल के जा, रख दो चप्पल साथ में ना। आफिन गई है पानी के अंदर, मुझे बुला रही है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो जूता पहनाओ, जूता गीला हो जाएगा यार, सॉक्स भी अंदर ना। बहुत ही मस्त मजा आ रहा है। ओ क्या हुआ? आगे जा थोड़ा। हाँ जा थोड़ा, ज्यादा आगे मत चला। मजा आया। इधर से बनाएंगे, बना रहे हैं। सैफान हार्ट बना रहे हैं बाबा, क्या हार्ट, मस्त हार्ट बना यार। अरे वाह, ये लो अफीन भी बना रही है। ये देखो सैफान भी एक नंबर बनाया। ओ क्या बात है, एक नंबर बना माशाल्लाह। अरे सैफान का ही बन गया। ए क्या बात है, अरे क्या मस्त माशाल्लाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या बात है। ओ बहुत मस्त बन गया, एक नंबर बनाया अभी। सैफान का भी एक मस्त बन गया, बन गया मस्त में। बोले उसको देखो, उसको देखो, ताजी हो गई सैफान की। मिटा दो, मिटा मिटा दो उसको। क्या बात, खराब कर दिया। अच्छा सही है, सही है, सही है। और यहाँ पे बच्चे लोग को बहुत मजा आता है, बच्चे सब वही कर रहे थे। सब बच्चे, जितने बच्चे सब वही चली जाते रहे, सब बच्चे वो देखो, जितने बच्चे सब वही खेल ही रहे मट्टी के अंदर। सैफान भी फिर गया रहा, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे लोग मट्टी में खेल रहे, जितने बच्चे यहाँ पे जितने भी। और मौसम बहुत अच्छा है आज का, ठंडा भी, ठंडा मौसम है, और भर्ती चढ़ी हुई समुंदर की पानी ऊपर तक आया है लहर। ठंडा मौसम में ना तो और अच्छा लग रहा है, इंसान बहुत एंजॉय कर रहा है। सैफान तो मजा आ रहा है, पानी में गया ना बहुत मजा आ गया। सैफान बच्चे बड़े सब फुल एंजॉय चल रही है बच्चों लोग। भीग गया वो, पूरे कपड़े भिगा लिए, अभी कैसे घर पे जाएगा? अभी ऐसे जाएगा गीला गीला, देखो मजबूत भीग गया, पूरा सो रहा है पानी के अंदर। ये देखो, अरे बाप रे बाप, ऐसे मालूम रहता तो मैं कपड़ा लेकर आती ना, अब कपड़ा नहीं है कैसे जाएगा। अरे अल्लाह, अरे बाप रे बाप, ये देखो, ये देखो, वाह रे, सही है सही है सही है सही है, फुल मजा, फुल धमाल हो गया सब उसको। बच्चों को देखा, देखिए उसको भी दिल हो रहा था, भीग गया पानी। कैसा बड़ा दिखता गया, अरे बाहर सही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है उसको, मजा आ रहा है उसको भीगने। खा रही हूँ चना जोर गरम, जूठो पड़िया चना जोर गरम, फुल धमाल मसाले वाला। सैफान नहाने तैयार नहीं है, फुल नहा रहा हूँ देखो, तो बैठ गया है सैफान जाना, लेकिन हिलने तैयार नहीं है। ए दे, ए दे, ए। क्या हुआ बेटा, खाएगा चना जोर गरम है, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बीच पे खाने बहुत मजा आता है, खाते रहो। क्या हुआ, फिर गया देखो भीगने, उसका दिल ही नहीं भर रहा, उसका दिल ही नहीं भर रहा है। पहले चल कुछ खा लेते हैं तो फिर गए, फिर भागा देखो, फिर जाके बैठ गया, देखे ठीक है, देखे देखे फिर जाके बैठ गया, देखो फिर आता हूँ बोल रहा है, क्या हिलने को तैयार नहीं है।
मैली चलो अभी नहा के थक गया होगा, भूख लगी होगी, कुछ खा लो, तो फिर बोलता कि रुको रुको अभी और जाऊँ। वो सबको देखा देखी, तेरा मन नहीं भर रहा है क्या बेटा? नहीं भर रहा मन, चलो साफ कर। थोड़ा साफ होने के बहाने भागा है, थोड़ा साफ हो गया करके आज। हां देखो साफ कर रहा है, तो साफ कर रहा है, तो साफ करने स्टाइल देखो उसका। बस आ जाओ, चप्पल बह जाएगी, तो साफ करने स्टाइल आ जाओ। बहुत बहुत चतुर है भाई, बहुत चतुर। ऑर्डर दे दिया आपने, क्या बोली? शेजवान नूडल्स। माशाल्लाह आ गई है, शेजवान नूडल्स। हाँ भूख लग गई ना खुशबू सूंघ के, खाते रहो। मम्मी खिलाएगी बेटा तुमको। हाँ ये आराम से गर्म है, खाते रहो खाते रहो। धमाल फूल फूल दमा, खाओ तुम लोग, खाओ तुम लोग, खाते रहो, मैं बाद में खा लूँगा, तुम लोग खाओ। ये पानी नहाया ना, इसको भूख लग गया अपनी। हाँ सबन भूख लगी ना, चल देखे खा रहा है। तो साउंड चालू हो गया भाई, क्या ले रहे अभी? आइसक्रीम गोला काला खट्टा, आ गया काला खट्टा। जूस ऊपर ही आया, काला खट्टा नहीं खाया तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ऑल टाइम फेवरेट। हाँ बहुत मजा आता है यहाँ पे ये खाए, गोला खाने के। मजा मजा, ये पूरा गीला भीगा हुआ फिर ही बोलता आइसक्रीम खाऊंगा। तब भी आइसक्रीम चाहिए, गोला चाहिए। हाँ चल। तो चलो अभी हो गया हमारा घूम फिर के, माशाल्लाह खा पी लिए, घूम फिर लिए, बहुत इंजॉय किए। सैफान तो बहुत इंजॉय किया, पानी में से निकल ही नहीं रहा। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों बाद आए और बहुत अच्छा लगा। और अब चलते घर पे, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? इसलिए चलो अभी ये वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा दिन भर का रूटीन रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो को एंड करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। मेरे अम्मी के इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आफरीन दस्तखान। क्या बात है, क्या बात है, लाइक से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बोला है तो याद से करना, ठीक है? माशाल्लाह, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।